मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये घोड़ी है जी, इसका आगे वाला लेफ्ट जो है पांव वो टूटा हुआ है, फिर भी ये सरवाइव कर चुकी है। ये रोज ही नदी के किनारे जाती है दरिया पे। ये सूने वाली थी जी, ये इसने एक फीमेल को जन्म दिया है, तो उसका शायद ये कल या परसों वो सुई है, तो फीमेल का ये इसका जो बछड़े का जो पांव है, ये भी देखिए क्या हालत है इसकी, ये टूटकर बाहर आ चुका है। अभी हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जी, देखते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं जी। बहुत ही मशक्कत के बाद हमने घोड़ी को थोड़ा अलग करके इसके शावक को हम साथ लेके जा रहे हैं, तो बहुत ये देखिए कितनी ज्यादा इंजरी है, लगता है किसी गाड़ी से टकराया हुआ है। अब हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जी। अभी हम वेटनरी हॉस्पिटल पहुँच गए हैं जी। देखिए यहाँ लोग अपने अपने पालतू डॉग्स को लेके आए हुए हैं। कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे घोड़ी के शावक का नंबर आ गया जी। हॉस्पिटल के अंदर किसी कारणवश हमें वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। डॉक्टर साहब ने इसकी फर्स्ट एड कर दी है जी और कुछ मेडिसिन लाने को बोला है। हम जो है इसकी हॉस्पिटल लेके गए थे इसको, तो वहाँ डॉक्टर ने इसको देखा, तो इसका वो बोला डॉक्टर कि इसके ना हड्डियाँ के 3 पीस हो चुके हैं इसके, तो इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये कम से कम भी 1 या 1.5 दिन का है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि यदि हमने इसका ऑपरेट किया तो ये मर जाएगा, इससे बेहतर ये है कि आप इसका, उन्होंने पट्टी वगैरह भी कर दी है तो मेडिसिन भी दे दिया, हमने बाहर से मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ली है, मेडिकल स्टोर से उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी। तो वो बोल रहा था, बहुत अफसोस की बात है कि वो बोल रहा था कि इसका जो पंजा है ना वो खुद ब खुद झड़ जाएगा जब ये सर्वाइव कर लेगा। तो इसकी माँ भी वो आ रही है, हमने जहाँ से इसको रेस्क्यू किया था इसकी माँ भी वो आ गई है, वो देखिए उसकी भी आप देख सकते हैं कि हालत कितने नाजुक है, उसकी भी एक टांग टूटी हुई है आप देख। ये सभी किसी कार की मेहरबानी से ऐसे या किसी गाड़ी की मेहरबानी से हुआ है, तो ये तो बेचारा, इसको क्या मालूम रोड के रूल रेगुलेशन के लिए, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी गाड़ी चलाएं तो कृपया सावधानी से, कोई पशु वगैरह उससे बचाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। हमने इसको यहाँ बांध दिया है, इसका कम से कम 1 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा जी, तो 1 महीने में डेली इसकी, डॉक्टर साहब ने बोला है कि पट्टी इसकी डेली ही नई लगानी पड़ेगी, यदि नहीं केयर करेंगे तो इसमें जख्म में कीड़े पड़ जाएंगे, तो इन दोनों को सर्वाइव अब हम करना ही पड़ेगा जी। तो सभी से मेरी निवेदन है कि कृपया, ये रैश ड्राइविंग का नतीजा है, कृपया किसी भी गाड़ी पर हों आप तो ड्राइविंग करते समय कम से कम बेजुबान जानवरों का तो ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हें रोड का रूल रेगुलेशन बिल्कुल पता नहीं है। धन्यवाद।